इंदौर सेन समाज ने सावर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर होटल प्राइड बाईपास पर पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में समाजजनों ने मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर परम पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज को आमंत्रित किया। साथ ही समारोह में सावर विधानसभा की सैकड़ों में जनसंख्या एकत्रित हुई एवं समाजजनों ने अपनी समस्याओं को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, संगठन मंत्री चावड़ा और नगर अध्यक्ष गौरव रण दिवे के समक्ष रखा। इस पर नेताओं ने भी समस्याओं के समाधान और सेन समाज की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इंदौर ब्यूरो के साथ दीपक सिंह और सोहेल खान की रिपोर्ट। ये हमारा सेन समाज सावेर विधानसभा का पारिवारिक मिलन समारोह है। इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास जी महाराज। इस समारोह के अंदर हमने माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी राम जी सिलावट जी को आमंत्रित किया है। हमारे आदरणीय रमेश मेंदोला जी जगत दादा, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। हमने आदरणीय संगठन मंत्री चावड़ा जी को भी आमंत्रित किया है और जिले के राजेश सोनकर जी जो कि जिले के अध्यक्ष हैं उनको आमंत्रित किया है, गौरव रणदिवे को आमंत्रित किया है। और ये हमारा पारिवारिक सम्मेलन जो है इस समारोह के अंतर्गत हम सेन समाज को सत्ता में भागीदारी की मांग उनके सामने रख रहे हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सेन समाज को सत्ता में भागीदारी दी जाए। हमको इंदौर नगर निगम के चुनाव के अंदर 5 टिकट प्रदान किए जाए, साथ ही इंदौर विकास प्राधिकरण के अंदर हमको एक उपाध्यक्ष का पद प्रदान किया जाए और केश शिल्पी मंडल का तत्काल गठन किया जाए, उसके अंदर एक अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाए, एक महिला सहित 2 उपाध्यक्ष बनाए जाए जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाए और 4 सदस्य बनाए जाए उसके अंदर एक महिला सदस्य हो, इस तरीके की मांग हमने उनके सामने रखी है। हमने उनसे निवेदन किया है कि हमारे समाज का लॉकडाउन के दरमियान हमारे समाज की किसी पार्टी ने कोई मदद नहीं की है, हमारे समाज के बंधु कर्जे में आ गए हैं, हमारे समाज के बंधुओं को उनके दुकान का किराया चढ़ गया है, उनकी मकान का किराया चढ़ गया है, सरकार से कर्ज लेकर 6 महीने से जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे सेन समाज के सभी बंधुओं को केश शिल्पी कल्याण योजना के अंतर्गत 1,00,000 रुपए से ऊपर की राशि केश शिल्पी कल्याण योजना के अंतर्गत सब्सिडी के माध्यम से प्रदान की जाए और उस योजना के अंतर्गत हमारे सारे बंधुओं को अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना का लाभ दिया जाए और केश शिल्पी कल्याण योजना के अंतर्गत सर्वे करवाकर ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के अंदर पुनः केश शिल्पी के कार्ड बनवाए जाए। ये सारी मांगे हम आज माननीय तुलसी राम जी सिलावट के सामने रखना चाह रहे हैं और ये सारी मांग हमने आज तुलसी राम जी सिलावट के सामने रखी है और हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा करें। मैं सुभाष वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय सेन समाज, मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।